So dear student, in this video we will study some sign convention of mirror and mirror formula, and student we will put some numerical or magnification of mirror. Okay, let's start. So we should know about sign convention of mirror. Student, sign convention के बारे में आप मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे. क्या पढ़े होंगे स्टूडेंट? ये पढ़े होंगे कि जो बेसिकली ये होता है कार्टेशियन जो होता है, यू नो अबाउट कार्टेशियन, एक्स वाई कॉम्प्लेक्स जो होता है, एक्स वाई टर्म जो होती है, एक क्वाड्रेंट जो होता है. ठीक है, तो आपको पता है कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको मैं ओ बोल देता हूँ. ठीक है स्टूडेंट, ओ से जस्ट ऊपर की तरफ ये वाला एक्सिस कौन सा होता है स्टूडेंट? ये वाला, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. और आपको ये भी बताया स्टूडेंट, ओ से ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है वाई, और ओ से नीचे की तरफ निगेटिव होता है, और ओ से लेफ्ट की तरफ निगेटिव होता है एक्स, और ओ से राइट की तरफ पॉजिटिव होता है एक्स. ये आपको 100% ट्रू समझ में आना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको साइन कन्वेंशन फॉर मिरर क्या कहता है? साइन कन्वेंशन फॉर मिरर बेसिकली आपको ये कहता है, सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएंगी? पोल से मेजर की जाएंगी. ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. सभी स्टूडेंट कहाँ से मेजर की जाएंगी? पोल से मेजर की जाएंगी. पोल को हम क्या मानेंगे? पोल को हम क्या मानेंगे? ओरिजिन पॉइंट मान के चलेंगे. पोल इज फॉलोड एज ए ओरिजिन पॉइंट, वहीं से स्टार्ट करेंगे सब कुछ. ठीक है, क्लियरली. साइन फॉलोज ऑल द रूल्स ऑफ कार्टेशियन. साइन कैसे फॉलो किए जाएंगे? जैसे कार्टेशियन फॉलो लो करता है कि इधर से इधर माइनस प्लस, इधर से ऊपर प्लस, इधर से इधर माइनस, इधर से इधर माइनस. अगर ओ से लेफ्ट की तरफ कोई सी डिस्टेंस मेजर की जा रही है स्टूडेंट, तो वो निगेटिव लेनी पड़ेगी हमें. ओ से निगेटिव लेफ्ट की तरफ, ध्यान रखना. ओ से अप की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कोई सी भी वैल्यू, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए. ओ से नीचे की तरफ निगेटिव, तो ये है कार्टेशियन रूल. ऑल डिस्टेंस आर टेकन निगेटिव इन लेफ्ट साइड फ्रॉम पोल. पोल से लेफ्ट की तरफ निगेटिव सारी डिस्टेंस है, एंड पॉजिटिव इन राइट साइड, और राइट की तरफ पॉजिटिव ले जाती हैं. ऑल डिस्टेंस आर टेकन पॉजिटिव अप फ्रॉम पोल. पोल से ऊपर की तरफ कौन सी डिस्टेंस ले जाएंगे स्टूडेंट? पोल से ऑल डिस्टेंस आर पॉजिटिव अप फ्रॉम पोल. पोल से ऊपर की तरफ पॉजिटिव एंड निगेटिव फ्रॉम पोल टू डाउन, ये बता दिया आपको मैंने. एंड ऑल डायरेक्ट डिस्टेंस आर टेकन परपेंडिकुलर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस. सभी डिस्टेंस स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ले जाती हैं. या तो आप ये कह सकते हैं, अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये लेंगे और ये लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे इस लाइन पे, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस की जगह आप प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं. सरफेस, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर मेजर की जाएंगी. ठीक है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें डिस्टेंस यहाँ से इधर मेजर की जाएंगे, यहाँ से इधर मेजर की जाएंगे, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर मेजर की जाएंगे. ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग मैंने एक टेबल भी बनाई है स्टूडेंट. आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस में निगेटिव होगी, कौन सी चीज़ किस में पॉजिटिव होगी. ये सब मैं याद नहीं कराऊंगा, ये सब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सब कॉन्सेप्ट बताऊंगा. ठीक है, कि कैसे ये वैल्यू आई है. अब सुनिए, सबसे पहले मैं आपको मिरर फॉर्मूला के बारे में बताता हूँ. व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? याद रखना, इस चैप्टर के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे एक न्यूमेरिकल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स का आएगा, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 5 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का आएगा. ठीक है, तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला स्टूडेंट? इसका डेरिवेशन भी होता है, बट दैट नॉट इन सिलेबस, सो आई एम नॉट टीचिंग यू. मिरर फॉर्मूला 12th क्लास में होता है इसका डेरिवेशन. व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? तो बेसिकली स्टूडेंट, मिरर फॉर्मूला होता है हमारा रिलेशन बिटवीन बेसिकली इमेज कहाँ बनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, और फोकल लेंथ कितनी है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन थ्री. तो आप कह सकते हैं मिरर फॉर्मूला क्या बताता है? मिरर फॉर्मूला टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. अब सुन, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, उससे पहले आप डायग्राम देखिए. अच्छा सा हमने एक मिरर लिया, कोई सा मिरर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है. ठीक है, यहाँ से हमने एक रे सेंड की पैरेलल जो प्रिंसिपल फोकस से चली गई. पता है आपको, हमने एक रे सेंड की प्रिंसिपल फोकस पे जो टकरा के पैरेलल हो गई. पता है आपको पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल फोकस से जाने वाली रे. ठीक है, अब यहाँ पर ये इमेज, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट टकरा गए, और जहाँ पर स्टूडेंट पॉइंट टकराते हैं तो वहाँ पर क्या फॉर्म होता है? इमेज फॉर्म होती है. तो हियर इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ. क्लियर है? ठीक है,
अब करते हैं साइन बेसिकली इनका नोमिक्लेचर स्टूडेंट, क्योंकि ये ए बी यहाँ से लाइट जा रही हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, जहाँ से लाइट जा रही होती हैं वेयर लाइट रिफ्लेक्ट या लाइट जहाँ से भी आती हैं उसको हम सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है और यहाँ से लाइट ये जा रही है फर्स्ट रे सेकेंड रे ये। तो स्टूडेंट अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो कहाँ से करेंगे, तो स्टूडेंट एग्जाम आंसर है कि आप पोल से फाइंड करेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस। मुझे बताइए स्टूडेंट पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है या राइट में है, तो आंसर लेफ्ट में है। एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है, तो आंसर है यहाँ से देखिए ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को स्टूडेंट यू बोलते हैं। व्हाट इज यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। अब क्या होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पर इमेज जहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा होता है ऑब्जेक्ट रखा होता है, इसको हम यू से नोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहां से टकराने के बाद ये रे दोनों यहां पर मिल जाती हैं, ये क्या बनी है स्टूडेंट इमेज, इमेज कहाँ पे बनी है इस लाइन पे देखिए, क्या ये एक्स एक्सिस में, यस आंसर है यस एक्स एक्सिस में है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के निगेटिव में है या पॉजिटिव में है, तो आंसर है निगेटिव में। तो बताइए इमेज फॉर्मेशन, इमेज की इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज कॉल्ड, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पोल से नापी जाएगी, पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम स्टूडेंट बोलते हैं वी, दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, हम पोल से किस तक के इमेज तक के डिस्टेंस को बोलते हैं वी या डिस्टेंस ऑफ इमेज। स्टूडेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या नाम दे सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज भी कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट पोजीशन ऑफ इमेज, सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ इमेज, वी क्या स्टूडेंट पोजीशन ऑफ इमेज। बताइए स्टूडेंट पोल से लेफ्ट में कि राइट में, तो आंसर है पोल से लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाली पोल से लेफ्ट वाली डिस्टेंस कैसी होती हैं, तो आंसर है नेगेटिव होती हैं, पता है आपको। ठीक है, अब जस्ट बताया था आपको मैं पोल से लेफ्ट वाली डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट आगे एफ़ की बात करते हैं, व्हाट इज एफ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है स्टूडेंट, फोकस से और पोल तक की डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाली, किससे नोट करते हैं स्मॉल एफ से। अब बताइए स्टूडेंट ये पोल से फोकल लेंथ लेफ्ट में है या राइट में है, व्हाट इज योर आंसर, सो इट विल बिकम इन लेफ्ट, एंड लेफ्ट में स्टूडेंट सारी चीज़ें कैसी लेनी है हमें, निगेटिव लेनी है। क्लियर समझ आया स्टूडेंट, ये साइन कन्वेंशन बहुत हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, अगर आपको ये नहीं आया तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, सो यू शुड नो अबाउट दैट प्रॉपरली, 100% देना है आपको इसमें। ठीक है, आप सुनिए स्टूडेंट आगे देखिए, एक और टर्म है स्टूडेंट आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इमेज कितनी बड़ी बनी, जैसे हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा, तीन प्रॉपर्टी हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी, एक तो उसका साइज था स्टूडेंट, दूसरा उसका पोजिशन था, तीसरा उसका नेचर था। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज तो हम लोग सॉरी पोजिशन ऑफ इमेज तो हमने वी मान लिया, अब बेसिकली स्टूडेंट इमेज की क्या फाइंड कर लेते हैं, साइज और फाइंड कर लेते हैं, तो उससे पहले हम ऑब्जेक्ट का साइज पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये क्या है ऑब्जेक्ट का साइज, क्या ये इस लाइन से परपेंडिकुलर अपवर्ड है या नहीं, पोल से अपवर्ड की तरफ जा रहा है नहीं, और पोल से अपवर्ड सारी चीज़ें डिस्टेंस कैसे ली जाती है स्टूडेंट, देखो पॉजिटिव एक्सिस, तो इट विल बिकम पॉजिटिव, क्योंकि पोल से ऊपर की तरफ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इमेज कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ, यू वाई एक्सिस से नीचे की तरफ है देखो, और नीचे की तरफ इमेज कैसी फॉर्म्ड होती है, निगेटिव फॉर्म्ड होती है स्टूडेंट, इट विल बिकम निगेटिव स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ ये है आपको, देखिए इधर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ आपके लिए ये है कि यहाँ से यहाँ तक पोल से ये डिस्टेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जितना बड़ा साइज का है वो ऑब्जेक्ट का साइज है, तो इसमें और इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, दिस इज यू एंड दिस इज एच ओ, एच ओ हमने हाइट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट।
आपको ये कन्फ्यूजन नहीं करना, ये इमेज बनी हुई है तो इमेज की डिस्टेंस ये है स्टूडेंट, और ये इमेज का साइज है, और इसको हमने हाइट मतलब आई इमेज की हाइट से नोट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज भी और फोकल लेंथ स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताइए इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगी स्टूडेंट, यहाँ से लेफ्ट में होगी, तो ये भी निगेटिव हो जाएगी स्टूडेंट। इसमें सारी चीज़ें निगेटिव है, एक चीज़ को छोड़ के, एच ओ को छोड़ के, मैंने ये लिखा भी है, देखो इधर कौन के मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, कब, जब वो इधर फॉर्म कर रही है, अगर इमेज इधर लेफ्ट में फॉर्म कर रही है तो नेगेटिव, राइट में फॉर्म करेगी तो पॉजिटिव। आपको पता है कि इस मिरर में राइट में भी इमेज फॉर्म होती है, कौन सी होती है बताइए, कौन के मिरर में राइट में इमेज फॉर्मेशन कौन सी होती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे रख के जल्दी से बताइए कि इमेज कब फॉर्म होती है राइट की साइड में, क्योंकि राइट की साइड में वी की वैल्यू पॉजिटिव हमें लेनी पड़ेगी, वी की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि पी से राइट में पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बताया पॉजिटिव लेते हैं, बाकी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बाकी सभी चीज़ें इसमें रखी स्टूडेंट निगेटिव होती हैं। ठीक है, क्लियरली समझ आया। अब बात करते हैं स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर की, यही चीज़ कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर स्टूडेंट इसमें बता देता हूँ मैं आपको, लेट दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर हियर, दिस इज स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर। आप देखिए स्टूडेंट सबसे पहले चीज़, ये पोल है हमारा, पोल से लेफ्ट में निगेटिव, पोल से ऊपर पॉजिटिव, पोल से नीचे निगेटिव, पोल से राइट में पॉजिटिव। स्टूडेंट ये क्या है, ये डिस्टेंस कौन सी है बताना एक बार, क्या ये फोकल लेंथ है, क्योंकि ये पोल से एफ तक की डिस्टेंस है, और पोल से के एफ तक की डिस्टेंस क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो बताइए स्टूडेंट ये पोल से लेफ्ट में है या राइट में है, तो आंसर है पोल से राइट में है, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर विल बी पॉजिटिव। समझ आया क्यों होगा, क्योंकि ये राइट में है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में है लेफ्ट में है, तो आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में है, तो इट विल ऑल्सो पॉजिटिव। पता चल गया आपको क्यों पॉजिटिव हो गए, लिखा भी है मैंने कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, और क्या बताया आपको मैंने, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा नहीं, रेडियस कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए आगे स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है यू, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो आंसर लेफ्ट में है तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। इमेज कहाँ पे बनी है, राइट में बनी है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट में डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। अगर साइज की बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए साइज ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, और इमेज भी ऊपर की तरफ बनी है तो ये भी पॉजिटिव होगी, दिस इज द रियल इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा है यू क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ इमेज, एफ क्या है, फोकल लेंथ, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड एच ओ क्या है, साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई क्या है, साइज या हाइट ऑफ इमेज, दोनों में से कुछ नाम हम ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मैग्निफिकेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन हर साल एक ना एक एटलीस्ट आ ही जाता है, और जिसमें भी जिस क्वेश्चन में भी ये इंक्लूड हो जाता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसके मार्क्स वेटेज भी बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए जरा मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन स्टूडेंट, कोई भी इमेज जो है बेसिकली या तो बड़ी हो सकती है ऑब्जेक्ट है या छोटी हो सकती है। अब स्टूडेंट ये पता कैसे चलेगा कि इमेज छोटी है कि बड़ी है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, जिससे हमें पता चलता है कि इमेज कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। ये कौन बताता है स्टूडेंट हमें, ये बताता है हमें मैग्नीफिकेशन, कैसे बताता है स्टूडेंट, मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन कई है। मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, मैग्नीफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। सो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इज द रेशियो, रेशियो होता है इमेज के साइज से ऑब्जेक्ट का साइज का, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, सो मैग्निफिकेशन विल बी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा कि डेफिनेशन में हमें लिखा है। ठीक है, तो हम इसको अगर टर्म में लिखें तो एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ई, एच ओ, साइज ऑफ इमेज को किससे नोट करते हैं स्टूडेंट, एच आई से,
और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, एच ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक और इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है इट इज द रेशियो ऑफ पोजिशन ऑफ इमेज टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो होता है पोजिशन ऑफ इमेज टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन। सो ये भी इमेज इक्वल टू, ये भी इमेज इक्वल टू, क्या दोनों बराबर होंगे? तो ऑफकोर्स दीज आर बोथ इक्वल, तो हमने यहाँ रख दिया इमेज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन। एंड थर्ड वन जो मुझे लगता है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेगा। पहले तो मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू V अपॉन U होता है या HI अपॉन HO होता है। इस ये भी एक डिस्टेंस है, ये पोजिशन ऑफ इमेज है ना, डिस्टेंस होती है पोल से इमेज तक की, ये भी एक डिस्टेंस है, ये पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस होती है। तो दोनों को डिस्टेंस डिस्टेंस जब डिवाइड करते हैं, मान लो इसकी यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं रहती स्टूडेंट। यूनिट का मतलब होता है जिसमें उसको डिनोट करते हैं। जैसे आप मिल्क लेने जाओगे तो कहेंगे 2 लीटर मिल्क दे दो, आप कुछ और लेने जाओगे तो कहोगे ये दे दो, कपड़ा लेने जाओगे 2 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है, तो जो यूनिट होती है वो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मैग्नीफिकेशन हैज नो यूनिट, आपसे पूछ सकता है द यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन, सो देर इज नो यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन। दूसरा स्टूडेंट जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है स्टूडेंट, जो मुझे लगता है वो ये है, मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन इज सॉरी टेल्स अस इन रियल हाउ मेनी टाइम्स लार्जर और स्मॉलर आर द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट हमें मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना गुना है, चाहे वो लार्जर भी हो सकता है चाहे वो स्मॉलर भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से इसको बताता हूँ। एग्जांपल्स के लिए मैंने ये कहा कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 3, इसका ये मतलब है स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, ये बताता है हमें कि हाउ मेनी टाइम्स आर द साइज ऑफ इमेज, कि इमेज का साइज कितने गुना है किससे, ऑब्जेक्ट से। मतलब स्टूडेंट m इज इक्वल टू 3 और m की वैल्यू क्या है हमारा, एच आई अपॉन एच ओ बराबर 3, और ये एच ओ उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एच आई बराबर 3 इंटू एच ओ। क्या आपको ये रिलेशन समझ आया या नहीं है? मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 3, इसका ये मतलब है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू 3, और एच ओ को उधर जाकर मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया, तो एच आई इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू एच ओ। स्टूडेंट इसका क्या मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज है 3 इंटू एच ओ, कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का कितने टाइम्स है स्टूडेंट, 3 टाइम्स है। मतलब इमेज 3 गुना बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से। मैं कहूँ मैग्नीफिकेशन हाफ, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका ये मतलब है कि इमेज का साइज जो है स्टूडेंट वो ऑब्जेक्ट के साइज का आधा है। मैं कहूँ स्टूडेंट मैग्नीफिकेशन 0.25, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इमेज 0.25 टाइम्स एच ओ है, एच ओ का 0.25 टाइम्स, ये मतलब है। मैं कहूँ स्टूडेंट 5 mm की वैल्यू 5, स्टूडेंट ये मतलब है इसका कि इमेज की जो इमेज जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट से 5 गुना बड़ी है, इसका ये मतलब होता है। इसका हम इस्तेमाल बहुत जगह पे करेंगे, बेसिकली न्यूमेरिकल में करेंगे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं वो। ठीक है, देखिए आगे। सो स्टूडेंट ये समझ जाए आपको कि हमें मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है, सॉरी इमेज कितनी लार्जर है कितनी स्मॉलर है देन ऑब्जेक्ट। क्लियर समझ आया? अब नोट की बात करते हैं, पहचान की बात करते हैं सबसे पहले, जो इंपॉर्टेंट भी है कि अगर एच आई इज इक्वल टू एच ओ हो, वी इज इक्वल टू यू हो, तो एम की वैल्यू 1 होती है। जैसे स्टूडेंट हमने मैग्नीफिकेशन कहाँ पे नाम सुना था, प्लेन मिरर में नाम सुना था स्टूडेंट, वहाँ पे इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर था, इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर थी। तो बताइए मुझे, जब यहाँ पर मान लो इमेज की डिस्टेंस जो है बेसिकली इमेज का जो साइज है वो 5 है और ऑब्जेक्ट का साइज भी 5 है, तो अब जैसे आप यहाँ पे 5/5 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, +k1 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर होता है स्टूडेंट, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू स्टूडेंट, 1 होती है। समझ आया स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, यदि एच आई मतलब इमेज बड़ी है और वी भी बड़ा है, ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होंगे, ध्यान रखना। इफ़ द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन इट इज नेसेसरी दैट
इमेज डिस्टेंस या पोजिशन ऑफ इमेज इज ऑल्सो ग्रेटर देन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस स्टूडेंट में इस कंडीशन में स्टूडेंट ध्यान रखना ये ट्रू हो जाएगा, एम की वैल्यू स्टूडेंट वन से ज़्यादा होती है। जैसे अभी मैंने बताया मैग्निफिकेशन थ्री, क्या मतलब इसका कि इमेज थ्री टाइम्स है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज बड़ी है, तो आंसर इमेज बड़ी है, कितने टाइम तीन गुना बड़ी है। जैसे पांच ऑब्जेक्ट था और मैंने कहा मैग्निफिकेशन थ्री, तो आप कहेंगे फाइव थ्री या फिफ्टीन बड़ी, फिफ्टीन जो होगी वो इमेज होगी क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट से तीन गुना है। जैसे मैं कहूँ आपसे मैग्निफिकेशन दो है, मैग्निफिकेशन दो है और ऑब्जेक्ट का साइज पाँच दो है, ऑब्जेक्ट साइज थ्री मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज थ्री और मैग्निफिकेशन टू, तो थ्री इंटू टू सिक्स, एच आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्स, ये मतलब होता है। ठीक है, कब होता है, जब एच आई बड़ा होता है और वी भी बड़ा होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, और स्टूडेंट अगर एच ओ बड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो सिंपल सी बात है इमेज छोटी होगी, इमेज छोटी होगी तो यू भी छोटा हो, यू बड़ा होगा वी छोटा होगा, उस कंडीशन में स्टूडेंट मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन से छोटी हो जाती है। जैसे मैं कहूँ मैग्निफिकेशन 0.5, ये वन से छोटा है, तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में एच ओ बड़ा होगा, एच आई छोटा होगा, यू बड़ा होगा और वी छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर वर्चुअल इमेज एम इज पॉजिटिव, अगर वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव लेंगे एम को, और अगर रियल इमेज है तो इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये हमारा रियल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट, एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू। सो टुडे वी आर क्लोजिंग हियर, थैंक यू।